इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3400 के करीब पहुंच रहा है। हालांकि स्वस्थ होकर घर जाने वाले लोगों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन संक्रमण इंदौर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सीएमएचओ की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात को इंदौर में 84 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 1073 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, इनमें से 964 नेगेटिव हैं। साथ ही इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3344 हो गई है। वहीं 4 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिससे अब तक कुल 126 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं जिले में उपचाररत कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1545 हो गई है। कल रात को जो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट जो टोटल रिजल्ट आए थे वो 1073 थे, उनमें से 964 नेगेटिव और 84 पॉजिटिव आए थे। यदि मिलाकर अब तक कुल 3344 हमारे इंदौर में पॉजिटिव रिजल्ट्स हो चुके हैं। मृत्यु को मिलाकर 126 मृत्यु हो चुकी हैं और टोटल जो हमारे अभी डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 1673 हो गई है। डिस्चार्ज की संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है, तो हमारी रिकवरी रेट भी बेहतर होती जा रही है और डेथ का जो रेट है वो रोज़ के रोज़ हमारा कम होता जा रहा है। वहीं मरीजों के ठीक होकर घर जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जो भी कोरोना के संबंध में जो सेवा की है और अपने कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और आदरणीय MRTV के समस्त अधिकारी सलील भार्गव साहब, आवासीय साहब और दीपक बसंत साहब ने के नेतृत्व वाली टीम ने जो मरीजों की सेवा की है उसकी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ।